वेलकम टू साइटन एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने डिस्कस कर लिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन क्या होता है और लघु बीजाणु जो है माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल गैमेट के बारे में कि फीमेल गैमेट यानी कि जो हमने बात करी थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है वो होता है गाइनोशियम, और गाइनोशियम जो बना होता है वो कार्पल से बना होता है, पिस्टल कार्पल या पिस्टल जिसे हमने कहा था अंडर पेयर्स थ्री के सर कहा था से मिलकर बना होता है। तो गाइनोशियम जो है वो क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। मादा जनन भाग होता है और इसकी यूनिट होती है कार्पल अंडर, इसे पिस्टल भी बोलते हैं, स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो यानी कि फीमेल गैमेट कहाँ पे बनेगा, फीमेल गैमेट जो नर मादा युग्मक है वो कहाँ पे बनने वाला है, वो कार्पल के अंदर बनने वाला है। एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल की संख्या जो है वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर किसी के अंदर कार्पल जो है वो एक से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा मिल रहे हैं अंडर, और अगर वो सारे सेपरेट है, ये हमने स्ट्रक्चर बनाई थी कार्पल की, और अगर एक से ज्यादा कार्पल मिल रहे हैं और वो एक दूसरे से अगर फ्यूज हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिन कार्पस युक्तांड भी कहते हैं, और अगर वो जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे कार्पल तो उन्हें एपोकार्पस कहते हैं, वी युक्तांड भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जनन अंग है, और उसकी इकाई जो है वो क्या है, अंडक है, ठीक है, कार्पल है। और कार्पल के जो है वो कितने पार्ट होते हैं, वो तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वर्टिका और अंडाशय, ठीक है। तो इतनी अपन ने बात कर चुके थे पहले भी, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होगा, कार्पल के कौन से पार्ट के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो कार्पल के अंदर जो ओवरी है, ये मैंने ओवरी बना दी है अंडाशय, इस ओवरी के अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद जो है वो क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सेल, भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो सेक जो आगे जाके के फ्यूज होगा पॉलन ग्रेन से, फ्यूज होगा पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेट्स जो नर युग्मक की संरचना जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो फ्यूज किससे होगा, एम्ब्रियो सेक से होगा। और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ओवरी के अंदर अंडाशय के अंदर जो है वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम ये देखने जा रहे हैं कि एम्ब्रियो सेक जो है, जब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलपमेंट होता है इसका, तो इसमें ओवरी से अटैच एक संरचना पाई जाती है जिसके अंदर फीमेल गैमेट या फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम कह रहे हैं वो बंद होता है, ठीक है। ओवरी है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका जिसे हमने कहा था ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, बीजांड, और इसके अंदर फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो सेक का, ठीक है। तो यानी कि जिस तरीके से हमने मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखी थी और वो एंथर के अंदर बनना था, पराग कोश के अंदर बनना था, तो पराग कोश को हमने जो है एंथर को हमने कहा था माइक्रोस्पोरोफिल कहा था, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा था, लघु बीजाणुधारी कहा था। और अब हम कह रहे हैं कि जो फीमेल गैमेट है मेगास्पोर है वो गुरु बीजाणु मेगास्पोर जो है वो किसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, उसका ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ओव्यूल को नाम हम देंगे मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, यह है गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम, और इसी के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोर का, गुरु
मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए जो है आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है कितने प्रकार के ओव्यूल्स की जो है ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, यानी कि जो जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट्स है उनकी कुछ फैमिलीज के अंदर जो है वो ऑर्थोट्रोपस जो है हम यहाँ पे हम कह रहे हैं रजू बीजाण यानी कि सीधा भी यहाँ पाया जा सकता है, वो एनाट्रोपस भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और ये डिफरेंट टाइप के जो है वो ओव्यूल्स हो सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक ओव्यूल के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो आप ध्यान से देखें कि जो ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है और इसके ओरिजिन की बात करते हैं। सबसे पहले ये हमने बना दी ओवरी अंडाशय, जो ओवरी की वॉल है अंडाशय भित्ति जो है यहां से ओव्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और ओव्यूल जिस संरचना के द्वारा ओवरी वॉल से जुड़ा हुआ होता है इसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से जब हम ऊपर चलेंगे तो एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं बीजाणु ग्रंथ। यह है बीजाणु ग्रंथ। प्लेसेंटा से ऊपर क्या मिलेगा? बीजाणु ग्रंथ देखने को मिलेगा और इसी के बीच में एक कनेक्टिव पाया जाता है जो कि इस बीजाणु ग्रंथ को जो है प्लेसेंटा से जोड़ के रखता है। ये होता है हाइलम, नाभिका। तो प्लेसेंटा से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ, ऊपर जाकर ये बीजाणु ग्रंथ के अंदर जो है ये डेवलपमेंट हुआ इसका, और ये क्या है जो इन दोनों को जोड़ के रखेगा वो है हाइलम। ठीक है, फिर अब मैं कुछ आउटर कवरिंग बनाने जा रही हूं। ये एक कवर हमने बना दिया है, आवरण बना दिया है। तो जो ओव्यूल है बीजाणु है उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आवरण बनाए हैं और इन्हें नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट्स अध्यावरण। ये है इंटेग्यूमेंट्स। इन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये दो अध्यावरण जो है एक ओव्यूल के ऊपर बीजाणु के ऊपर पाए जाते हैं। फिर जस्ट इसके अगर हम इसके सबसे आधार भाग की बात करते हैं कि जो सबसे अगर यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ओव्यूल के अंदर जो है ये इंटेग्यूमेंट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? इंटेग्यूमेंट्स हो गए, अध्यावरण हो गए। और इन अध्यावरण के जस्ट आधार भाग की बात करते हैं, बेस पार्ट की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है चेलेजा, निभाग। तो यहां आप देख सकते हैं इंटेग्यूमेंट्स जो है जिस डायरेक्शन में है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा जो है एनाट्रोपस ओव्यूल हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका जो चेलेजर पार्ट होगा वो यहां पे मिलेगा। ठीक है, चेलेजर पार्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर जस्ट इसके फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी जगह पाई जाती है ओव्यूल्स के अंदर जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स जो है वो पूरी तरीके से कवर नहीं करते हैं ओव्यूल को। ये एक आपको जगह नजर आ रही है कि जहां पे इंटेग्यूमेंट्स जो है वो क्या है? एब्सेंट है, और इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये है माइक्रोपाइल बीजाणु द्वार।
कि जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, पराग नलिका जो है वो कहां से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल से। जनरली जो है वो माइक्रोपाइल से एंटर हमेशा करती है, और वो जो है इन इंटेग्यूमेंट्स को अगर वो जो है इन इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू अगर आ रही है तो भी वो माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगी, और अगर वो किसी भी डायरेक्शन से आती है तो माइक्रोपाइल से ही जो है वो पराग नलिका एंटर करती है इसके अंदर। तो ये अपन ने संरचना पढ़ी किसकी, जो है ओव्यूल की। इस ओव्यूल के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो सैक एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें कितनी कोशिकाएं होती है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो जो एम्ब्रियो सैक है इसमें माइक्रोपाइल की तरफ तीन कोशिकाएं पाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन कोशिकाएं हैं, तीन सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं एग एपरेटस। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो तीन कोशिकाएं जो इसके अंदर मिल रही है इन्हें हमने कहा एग एपरेटस। ये जो सेल आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं एग सेल, और इसकी जो दोनों तरफ जो आपको लेटरल सरफेस के ऊपर जो कोशिकाएं जो सेल्स देखने को मिल रही है ये जो है ये सिनेर्गिट्स होती है, सिनेर्गिट्स सहायक कोशिकाएं कहलाती है। फिर इसके ऊपर की तरफ जो है एम्ब्रियो सैक में तीन कोशिकाएं मिलती है, ये है एंटीपोडल सेल्स। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है कहां मिलेगी, माइक्रोपाइल के जस्ट दूसरी तरफ मिलेगी। यहां पे जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी एंटीपोडल सेल्स जो है वो ये नीचे वाली होंगी, और माइक्रोपाइल की तरफ वाली सेल्स जो होंगी क्या कहलाएंगी, एग एपरेटस अंड उपकरण कहलाती है। फिर इसके बाद में हम देख सकते हैं कि आपको सेंटर के अंदर जो है क्या देखने को मिल रही है, कुछ स्पेशल सेल्स देखने को मिल रही है। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें हमने कहा ये एंटीपोडल सेल्स हो गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं, फिर हमने तीन सेल्स बनाई जिसमें बीच वाली सेल जो है वो है एग सेल, और लेटरल सतह जो पार्शियल सतह पे जो कोशिकाएं मिल रही है ये है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स सहायक कोशिकाएं। इसके सेंटर में दो कोशिकाएं पाई जाती है, और ये दो कोशिकाएं जो है इनकी केंद्र जो है फ्यूज नहीं होते हैं। ये स्पेशल है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो कोशिकाएं देखने को मिल रही है ये दो कोशिकाएं आपस में फ्यूज है, लेकिन इनके न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, इसीलिए जो है ये एक सिंगल कोशिका है एक, और इसे नाम देते हैं सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक कोशिका या द्वितीयक केंद्र, द्वितीयक कोशिका या द्वितीयक केंद्र किसे कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेगास्पोरेंजियम की, गुरु बीजाणु खाने की, और इसके अंदर जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ स्ट्रक्चर बताओ मेगास्पोरेंजियम की, तब तो आपको सिर्फ इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर बतानी है। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेल फीमेल गैमेटोफाइट की जो है मादा युग्मकोद्भेद की अगर संरचना बतानी है तो आप इस संरचना को बताएंगे कि जो है भ्रूण कोश किस प्रकार का होता है और उसमें कितनी कोशिकाएं होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर टोटल कितनी कोशिकाएं मिल रही है, तो तीन कोशिकाएं, ठीक है, थ्री सेल्स जो है वो बेस पार्ट में मिलेगी, थ्री सेल्स माइक्रोपाइल वाले रीजन में मिलेगी, और बीच में जो है वो दो सेल्स फ्यूज हुई है, ठीक है, दो सेल्स फ्यूज होकर क्या बनाया उसने, एक सिंगल सेल को बनाया है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, टोटल
करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं तो 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो यहां तक जो है ओव्यूल की संरचना और एम्ब्रियो सैक की जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर कंप्लीट होती है। और अब हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहां पे बात करें ऑर्थोट्रोपस की, कि जो ऑर्थोट्रोपस जो है इसे हम कहते हैं सीधा बीजांड, रजो बीजांड कहते हैं। यानी कि सीधा वो होगा कि जब इंटैग्यूमेंट्स जो है, इंटैग्यूमेंट्स माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल्स और हमने कहा इंटैग्यूमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, बीजांड द्वार और अधावरण जो है वो अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो इसे अपन क्या कहेंगे, सीधा बीजांड कहेंगे। और ओवरी वॉल से जो होगा, ओवरी वॉल से जस्ट जो पार्ट ऊपर स्टार्ट होगा वो चैलेंजर पार्ट होगा, तो ये होगा ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस अधिकतर जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनमें एनाट्रोपस टाइप का मिलता है ओव्यूल देखने को मिलता है। और इनके अंदर जो है जो प्लेसेंटल है, प्लेसेंटल रीजन है, वहां पर कौन प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है वो कहां पे प्रेजेंट होने वाला है, वो जो जो बीजांड व्रत है, जो प्लेसेंटा वाला रीजन है वहां से स्टार्ट होगा। तो ये उल्टा कैम्पाइलोट्रोपस जो है इसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सैक है वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि ये कर्व है। लैंटिमेनेसी फैमिली के अंदर जो है वो कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का वक्रित बीजांड पाया जाता है। फिर इसके बाद हेमीएनाट्रोपस, हेमीएनाट्रोपस के अंदर जो है जो बीजांड व्रत है वो इंटैग्यूमेंट्स के साथ साथ और माइक्रोपाइल के साथ 90 डिग्री के कोण के ऊपर, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो अरेंज होता है। और इस टाइप का जो ओव्यूल है वो रेनिकुलेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। इसके बाद ब्यूटेमेसी फैमिली के अंदर जो है वो एम्फीट्रोपस टाइप का, इसको ट्रांसवर्स टाइप का भी ओव्यूल कहते हैं, अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर जो है अनुप्रस्थ रूप से एम्ब्रियो सैक जो है वो आपको संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद है कितिनोट्रोपस, कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड के अंदर क्या होगा कि जो इंटैग्यूमेंट्स है वो इंटैग्यूमेंट्स पूरी तरीके से कवर कर लेंगे एम्ब्रियो सैक को। देखो आप कि ये क्या है, इंटैग्यूमेंट्स है और इसे इंटैग्यूमेंट्स ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से कवर कर लिया है किसको, एम्ब्रियो सैक को। और इस टाइप का जो ओव्यूल है वो कैप्टेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ तक अपन ने बात करी इस लेक्चर के अंदर कि मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगास्पोर डेवलप होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर और मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या होती है यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो सेल के अंदर 7 सेल्स का डेवलपमेंट होता है और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। तो तब तक आप जो है इतने चैप्टर्स को आप कवर करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।